देखिए किस तरह से यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। दूसरी तरफ आपको मैं दिखाऊं तो भारी संख्या में आपको यहाँ पर मीडिया भी नजर आएगी और तमाम दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो राहुल गांधी जी के आवास के बाहर खड़े हुए हैं। तमाम जो कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी राहुल गांधी जी के आवास पर आए हुए हैं। देखिए हाथों में तख्तियां भी हैं, चाहे तूफान आए या आंधी, हमारे नेता श्री राहुल गांधी, आप क्या कहेंगे? देखिए आपने देखा होगा किस तरीके से एजेंसियां अलग अलग लीडर्स को जो आवाज उठाते हैं लोकतंत्र के हित में आवाज उठाते हैं, राहुल जी सत्य और अहिंसा के लिए जो आवाज उठा रहे हैं, लोगों के जो आज युवा है उनकी आवाज है कि रोजगार चाहिए, बेरोजगार युवाओं के लिए आवाज उठाते हैं, महंगाई के ऊपर आवाज उठाते हैं। जहां आपने देखा होगा देश में इतना बड़ा घोटाला हो गया है, एक आदमी जो आपकी सारी संस्थाएं धीरे धीरे कर अपने अधीन ले रहा है, कारण मोदी जी और अमित शाह जी। आज देखो हम दो, हमारे दो की सरकार, अडानी और अंबानी, मोदी और अमित शाह। आप देखिए देश की सारी संपत्तियां धीरे धीरे कर निजीकरण करके अंबानी जी और अडानी जी के हाथों में दी जा रही है। पहले बैंकों से पैसा दिया जा रहा है उन्हें, सरकारी बैंकों से पैसा दिया जा रहा है, उस पैसे से ही वो लोग हमारी जो सरकार की जो संपत्ति है उसको उसी से खरीद रहे हैं। देखिए किस तरीके की धांधली हो रही है। और जब राहुल जी संसद में जेपीसी की मांग कर रहे थे तो आपने देखा होगा किस तरीके से इन्होंने ब्लंडर किया। अब जेपीसी की मांग करने पर और राहुल जी ने जो सवाल इनसे किया है, अडानी और मोदी जी के बीच में रिश्ता क्या है वो बताने की वजह ये उल्टे सीधे आरोप लगाकर और किसी ना किसी तरीके से जो एजेंसियां हैं सरकारी एजेंसियां उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। आपने देखो ये सवाल देने से बच रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ठीक है जवाब दो। अरे भाई हम सावरकर के वंशज नहीं है, आप हो सावरकर के वंशज। जिस तरीके से भगत सिंह जी ने सत्य और सत्य के लिए लड़ाई लड़ी और कभी माफी नहीं मांगी, और राहुल जी सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं, गांधी जी के फॉलोअर हैं, वो सत्य और अहिंसा के लिए लड़ते रहेंगे। आप किसी तरीके की कितने ही ये प्रयास करिए, ईडी सीबीआई या कोई भी एजेंसी लगाकर आप कितना भी उनका दमन करने की कोशिश करिए वो डरेंगे नहीं। सरकार पूरी कोशिश कर रही कि कैसे भी करके आवाज को दबाया जाए। हाँ आप देखिए ना, अलग अलग देखिए, अलग अलग इंसिडेंट देखिए देश के अंदर, किसानों के साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेरोजगार युवाओं पर कैसे लाठियां चलाई, ये किस तरीके से जो सिलेंडर 400-450 रुपए का था महंगाई करके 1100 रुपए कर दी। आप इन्हें देखिए, जब छात्र इनके लिए आंदोलन करते हैं तो छात्रों को देशद्रोही बोलते हैं, जब किसान आंदोलन करते हैं तो एक खालिस्तानी बोलते हैं। आप इनको देखिए किस तरीके से ये उपयोग कर रहे हैं राष्ट्रवाद का सहारा लेकर, जो इनसे सवाल करता है उसको राष्ट्रद्रोही बोलते हैं, और इनसे पूछिए, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री संसद के अंदर खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं कि ना किसी ने हमारी एक इंच जमीन ली है, ना कोई अंदर आया है ना कोई गया है, तो आप बताइए लद्दाख में जमीन चाइना इतने अंदर कैसे आ गई, दिल्ली जितना एरिया उन्होंने कब्जा किया हुआ, मगर प्रधानमंत्री बेशर्मों की तरह संसद में झूठ बोल रहे हैं। उनके जो मंत्री हैं इस तरीके से अब झूठ बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने कहा यूएस और रशिया वगैरह से भारत की नहीं की, मगर राहुल जी ने कहा कि भाई ये हमारा आंतरिक मामला है और इसे अंदर से ही सुलझेगा और हमसे ही सुलझेगा। अगर किस तरीके से संसद में ये जेपीसी की मांग को दबाने के लिए झूठ का प्रोपोगंडा पूरे देश में फैला रहे हैं, और आज आपने देख लिया जब इनसे ये मामला नहीं रुका, जेपीसी की मांग करते रहे, तो आज किस तरीके सरकारी एजेंसी का गलत उपयोग करके इन्होंने जो आज कार्यक्रम जो इस तरीके से बैठा के टीवी पर चला रहे हैं, प्रोपोगंडा रच रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं। संसद में जेपीसी की मांग को लेकर हम आज भी लड़ेंगे और सड़कों तक लड़ेंगे, सड़क पर लड़ेंगे। जो है मोदी जी जो कहें वो सब ठीक है, जो विपक्ष कहे वो सारा गलत है। ये सरकार ऐसा माहौल बना रही है ना, मोदी जी दिन रात झूठ बोलते हैं, प्रोपोगंडा रचते हैं, और उस प्रोपोगंडा में इनका साथ देती है नेशनल मीडिया। जिस प्रकार आज देश के हालात हैं, मैं उन पर चार पंक्तियां कहना चाहूंगा। अर्थव्यवस्था बेकार, बेरोजगारी सीमा पार, चीन की धमकियां लगातार, किसान का हाल बेहाल, महंगाई से तो है ही डबल वार, और जो ये सवाल मोदी जी से पूछे वो देश का गद्दार, क्योंकि देश की मीडिया बनी है प्रधानमंत्री की चाटुकार। किस प्रकार इन्होंने देश के अंदर एक माहौल बना दिया है कि जो भी सत्ता से सवाल पूछेगा वो देश का गद्दार कहलाएगा देश। और ये काम आज वर्तमान में राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के थ्रू पूरे देश के अंदर भाजपा और आरएसएस की नफरत और हिंसा की राजनीति के खिलाफ वो पैदल चले, पूरे देश को जोड़ा, तो आज उनके खिलाफ सीबीआई, ईडी और कोर्ट को लगाया जा रहा है। ये हम कतई भी सहन नहीं करेंगे, क्योंकि राहुल जी सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं,
सत्य की लड़ाई में हम राहुल जी के साथ खड़े हैं, वो सत्याग्रही है। सावरकर के वंशज नहीं है, वो गांधी के वंशज है। सावरकर के वंशज है ये भाजपा और आरएसएस वाले। माफी मांगेंगे तो भाजपा और आरएसएस वाले मांगेंगे। मोदी जी विदेशों में जाकर के भारत की नाक कटवाते हैं, जब वो कहते हैं कि कितने शर्मनाक बात है भारत में हम पैदा हुए, ये बयान मोदी जी के हैं, वो भी प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए। तो माफी मोदी जी को मांगनी पड़ेगी। और दूसरी बात, वो अडानी जी को बचाने के लिए संसद नहीं चलने दे। आपने इतिहास में कभी देखा है कि सत्ता पक्ष ने संसद रोकी है? संसद के अंदर जब विपक्ष का सबसे बड़ा नेता कर्मठ ईमानदार राहुल गांधी जी बोलते हैं तो उनकी स्पीच को एक्सपेंड कर दिया जाता है। आखिर क्या रिश्ता है मोदी जी और अडानी जी का? यह जवाब दे भाजपा, जो कि बचती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ धार्मिक मुद्दों पर लड़वाती है, ना ही युवाओं के रोजगार की बात करती है। और जब राहुल गांधी जी युवाओं के रोजगार की बात करते हैं या फिर महिलाओं के शोषण हो रहा है, जो जिस प्रकार भाजपा के जितने नेता हैं वो इसमें आरोपी हैं, उन पर कार्रवाई करने की बजाय राहुल गांधी जी के ऊपर कार्रवाई करते हैं, झूठी कार्रवाई, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, तो इसके खिलाफ तो कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, राहुल जी का हर कार्यकर्ता अपने अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करना है। और संवैधानिक संस्थान, जितने भी जिस प्रकार भाजपा संवैधानिक संस्थानों को खत्म करने लग रही है, उन्हें दोबारा से स्वतंत्र कराना है। जब तक संवैधानिक संस्थान स्वतंत्र नहीं होंगे, देश आगे नहीं बढ़ सकता। और राहुल जी के नेतृत्व में आप देखिएगा, सब संवैधानिक संस्थान दोबारा स्वतंत्र होंगे और देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज का जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद में? देखिए, भाजपा की नीति रही है कि हमेशा से कांग्रेस जो विपक्ष में है इनको दबाया जाए। आज राहुल जी के सिवाय देश में अन्य बहुत पार्टियां हैं जो विपक्ष में हैं, लेकिन राहुल जी के सिवाय कोई भी युवाओं की बात नहीं करता, किसान की बात नहीं करता, महिलाओं की बात नहीं करता, बेरोजगारी की बात नहीं करता, शिक्षा की बात नहीं करता। अगर देश में ये सभी मुद्दे उठा रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र नेता है राहुल गांधी की। अगर राहुल गांधी जी की आवाज को ये बंद करना चाहते हैं तो इस तरह से कितने भी प्रोपेगेंडा ये आजमा ले, हम युवा हैं, हमारा भी फर्ज बनता है ऐसे नेता के लिए लड़ने का जो नेता हमारे लिए लड़ रहा है। हम युवाओं के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, देश के लिए, और बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर राहुल जी लगातार आवाज उठा रहे हैं, तो हम भी देश के युवा हैं, हम राहुल जी के साथ कदम से कदम मिला के खड़े हैं। जब तक भाजपा माफी नहीं मांगेगी, वो हमारे नेता को बोलते हैं कि वो माफी मांगे, लेकिन हम भाजपा को कहेंगे कि वो ईडी पीछे दौड़ा के विपक्षों को कुचलने का काम कर रही है, आवाजों को कुचलने का काम कर रही है। तो भाजपा को अपनी गलती पे माफी मांगकर विपक्ष से माफी मांगनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए कि किस तरह से उन्होंने संघाई में जाकर, चाइना में जाकर देश का अपमान किया है। तो उन और वो प्रधानमंत्री के पद पे होते हैं, तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। और जिस तरह से ये प्रोपेगेंडा रचा गया है राहुल जी को दबाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा FIR और इस तरह की जो कहानी रचित गई है, ये शर्मसार करने वाली बात है, विपक्ष को कुचलने की बात है, संविधान को मारने की बात है। और राहुल जी के साथ हम तब तक खड़े रहेंगे जब तक ये देश और भाजपा, जब तक भाजपा खुद सबक नहीं लेती इन चीजों से कि विपक्ष को कुचला नहीं जा सकता, देश का युवा राहुल जी के साथ है। इतना क्या हो गया, भाजपा क्यों डर गई राहुल जी से? इतना डरेगी क्यों नहीं, एक ईमानदार नेता देश में राहुल गांधी ही है। हाँ। जो ईमानदारी से युवाओं की आवाज बने हुए, किसानों की आवाज बने हुए, वो मांग कर रहे हैं अडानी के ऊपर जेपीसी की मांग हो, जांच हो, लेकिन वो नरेंद्र मोदी जी अडानी का आप ही बोलकर राजी नहीं है। लोकसभा के अंदर, लोकसभा में माइक म्यूट किया जाता है, लोकसभा में माइक म्यूट किया जाता है, विपक्ष के नेताओं को बोला नहीं जाता, लोकसभा सत्र रद्द किया जाता है। तो आपको ये समझना होगा, देश के युवाओं को समझना होगा कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ युवाओं, किसान और बेरोजगारों का दम निकालने में लगी है, इनकी आवाजों को दबाने में लगी है। आप तख्ती लेकर खड़े कि राहुल गांधी है, सावरकर नहीं है, क्या कहेंगे इस पे? सावरकर वो है जो भाजपा और RSS के आइडियल है, जो अंग्रेजों से माफीनामे लिखते थे, लेकिन राहुल गांधी जी माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। वो सत्य के लिए अडिग खड़े रहेंगे मजबूती के साथ, क्योंकि उनके साथ पूरी देश खड़ा है, पूरे देश का हर व्यक्ति, हर नागरिक उनके साथ खड़ा है, क्योंकि वो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो जिस प्रकार अडानी जी के द्वारा भाजपा सरकार देश को लूट रही है, उसके खिलाफ खड़े हैं, वो देश की लूट के खिलाफ खड़े हैं, वो बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए राहुल जी बिल्कुल नहीं झुकेंगे, क्योंकि फ्लावर समझा क्या, वो फायर है, फायर। हाँ, तो क्या लग रहा है, जो सवाल करेगा मोदी सरकार उसको परेशान करेगी, उसके खिलाफ अपना जो तंत्र है उसका इस्तेमाल करेगी? ये अहंकारी सत्ता है, तानाशाह है, और ये घबरा चुके हैं। घबराई हुई सरकार जो अपने खिलाफ सवाल करने वालों पर कार्रवाई कर रही है, झूठी कार्रवाई कर रही है, CBI ED लगा रही है, पुलिस लगा रही है, लेकिन कोई भी इनसे डरने वाला नहीं है। राहुल जी ने कहा है ना, डरो मत, सबके साथ खड़े हैं राहुल जी, डरो मत,
आप ये बताइए, एक तरफ पहले मोदी जी संसद में आके कहते थे एक अकेला सब पर भारी, अब तो ऐसा लग रहा है वो एक अकेले राहुल गांधी से परेशान है। हाँ। एक अकेला सब पे भारी, राहुल गांधी एक अकेला सब पे भारी, पूरे देश में जिस तरह से राहुल जी ने समय समय पर देश के मुद्दे उठाए, वो एक अकेला राहुल गांधी ही है जो सब पर भारी है। हाँ। पूरी भाजपा के मंत्रालय पे भारी है, भाजपा के ट्रोल मिनिस्टर समय समय पे आकर राहुल जी को दबाने की कोशिश करते हैं, राहुल जी का मखौल उड़ाते हैं, लेकिन उनको समझ में आना चाहिए कि ये अकेला एक सच्चा नेता है। भाजपा जो भ्रष्टाचारी पार्टी है, उनको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से एक अकेला राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला, युवाओं से मिला, महिलाओं से मिला, बेरोजगार मुद्दों पे चर्चा हुई, गंभीर समस्याओं पे चर्चा हुई। आज जब उन्होंने देश की नब्ज को पकड़ा, देश क्या चाहता है, देश का युवा क्या चाहता है, तो नरेंद्र मोदी घबरा गए कि इस यात्रा में देश के अहम मुद्दे राहुल जी तक पहुंचे हैं। हाँ। और राहुल जी ने उन मुद्दों के साथ लोकसभा में चर्चा की। हाँ। और लोकसभा जब पहुंचे तो देखा कि अडानी जैसा एक व्यापारी जो स्कूटर पे चलता था, आज वो बड़े बड़े चार्टर्ड प्लेनों में जाकर मोदी के साथ बड़ी बड़ी डीलें कर रहा है। हाँ। और जो जिसको कोई लाइसेंस नहीं था, उन बड़ी बड़ी संस्थाओं के, उनको बड़ी बड़ी कंपनीज के लाइसेंस मिले, और उन्होंने पूरे भारत के अंदर ऐसे ऐसे व्यापारों में उनका नाम पाया गया जिसके इनको बिल्कुल भी समझदारी नहीं थी। तो ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या, ये भाईचारा मोदी अडानी का नहीं तो क्या? और अगर हम इस पे सवाल पूछना चाहते हैं, अगर राहुल जी इस पे सवाल करते हैं, तो मोदी जी डरते क्यों हैं? जवाब दीजिए, पिक्चर क्लियर कीजिए कि आपका और अडानी जी का क्या रिश्ता है। राहुल जी तो सिर्फ इतना ही पूछना चाहते हैं कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि पूरा देश नीलाम कर बैठे हैं अडानी जी के लिए। पूरी तरीके से तानाशाही पर उतर आई है सरकार। बिल्कुल तानाशाही है ना। अगर बात करें अडानी की, अगर बात करें रोजगार की, अगर बात करें महिला सुरक्षा की, अगर बात करें महंगाई की, तो उन बातों को सुना नहीं जाता। इस तरह से तंत्र रचा जाता है, राहुल जी के ऊपर FIR कराई जाती है, राहुल जी के ऊपर पुलिस प्रशासन दौड़ाई जाती है, राहुल जी से सवाल किया जाता है। अरे विपक्ष का काम है सत्ता से सवाल करने का, सत्ता का काम नहीं है विपक्ष से सवाल करने का। सत्ता का फर्ज बनता है कि आपने कुछ भी किया है तो विपक्ष को और देश को जवाब देना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया? विपक्ष को दबाने का काम किया, देश को गुमराह करने का काम किया, देश को आप सरेआम लूट रहे हैं, अडानी को बढ़ा रहे हैं, देश का युवा है वो कमजोर होता जा रहा है, देश के युवाओं को बिल्कुल ही आपने इग्नोर किया है, अनदेखा किया है। तो इसमें हम लोग राहुल जी के साथ हैं, जब तक ये लड़ाई रहेगी हम राहुल जी के साथ कदम से कदम मिला के खड़े हैं। हम युवा हैं, हमारा भी फर्ज बनता है राहुल जी का साथ देने का इस लड़ाई में। लेकिन सरकार भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है दबाने के लिए। कितना दबा लेगी? हाँ। एक राहुल जी हैं, कितना दबा लेगी? लेकिन उनके पीछे लाखों करोड़ों युवा हैं। हाँ। ये भी सब राहुल जी बनकर सड़कों पे उतरेंगे, मैं भी राहुल गांधी कहकर सब सड़कों पे उतरेंगे। कितने राहुल जी को दबाने की कोशिश करेंगे, कितने लोगों को दबाने की? अभी आप लोग राहुल जी के घर के बाहर आए हुए हैं, क्या कहेंगे इस पे? हम राहुल जी को बताने आए हैं कि हम राहुल जी आपके साथ हैं, आप हमें पता है बिल्कुल भी नहीं डरते इन संगियों से। लेकिन मैं आपको ये कहना, हम लोग भी आपको आश्वासन देने आए हैं कि राहुल जी आप बिल्कुल भी घबराना नहीं, हम आपके साथ हैं। दिन हो चाहे रात हो, बारिश हो चाहे तूफान हो, जिस तरह से आपने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की, बारिश हो तूफान हो धूप हो, आपने देश के मुद्दों को समझाया, हम भी आपको समझते हैं, हम भी आपको हर मौसम में आपके साथ खड़े रहेंगे, हमेशा आपके साथ खड़े मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कहना चाह रहे, बोलिए। ये राहुल गांधी हैं, शहीदों के परिवार से हैं, इनके परिवार ने शहादतें दी है देश के लिए, देश की आजादी के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए कुर्बानियां दी हैं, और ये झुकने वाले नहीं हैं। चाहे भाजपा आरएसएस कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे अपनी पूरी ताकत लगा ले, ये राहुल जी हैं सत्य के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, देश के लिए सबसे आगे खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ठीक है, तो देखिए ये राहुल गांधी जी के आवास के बाहर तमाम संख्या में जो है कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, वो आए हुए हैं और एक संदेश देने की कोशिश कि ये भाजपा सरकार कितना भी डराने धमकाने की कोशिश करे, कितने भी षड्यंत्र क्यों ना अपना ले, राहुल गांधी डरने वाले नहीं हैं और जो उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो उनकी सेना है, वो डरने वाली नहीं है। मैम, जिस तरह से आज का पूरा घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह से सरकार जो है राहुल गांधी जी को परेशान करने की कोशिश कर रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी जिंदाबाद।
लोहा लेता है वो एकमात्र नेता है राहुल गांधी, और इस तरीके की ये जो राहुल जी के साथ ये कर रहे हैं ये साफ और साफ बता रहा है कि तानाशाह देश की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा व्यक्ति आज राहुल गांधी जी से कितना डर रहा है, कितना बौखलाया हुआ है। राहुल जी तो सच की आवाज उठा रहे हैं ना, फिर उनसे डरने की क्या जरूरत है, क्यों इतना बौखला गए मोदी जी? लोग आज का व्यक्ति हर किसी को भय में भय से डराकर राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो उनसे नहीं डरता सिर्फ उसी से वो डरते हैं। इसीलिए राहुल गांधी जी के पीछे पूरा का पूरा, आपने कभी देखा है कि कोई सरकार में बैठी पार्टी पार्लियामेंट ना चलने दे रही हो, संसद ना चलने दे रही हो? क्योंकि संसद में राहुल जी ने जो सवाल उठाया है इनके दोस्त के खिलाफ, उस सवाल पे चर्चा होनी थी, और अपने दोस्त को बचाने के लिए ये कुछ भी करेंगे तो ये पूरा का पूरा तंत्र एक व्यक्ति के पीछे लगाकर। लेकिन वो राहुल गांधी किसी से डरने वाले नहीं है, वो गांधी है, वो उस नेहरू और गांधी का खून है जिन्होंने देश से अंग्रेजों से लोहा लिया था इस देश को आजाद कराने के लिए। तो राहुल जी डरने वाले नहीं है और यहाँ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपने नेता के साथ खड़ा है। आज क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोग? राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद।